तो गाइज हमारी तैयारी हो चुकी है और हम हो चुके एकदम तैयार। मिठाई उठाई हमारी मम्मी जी हल्दी लग गई हमारी उत्तराखंड का कल्चर। तो यहाँ पर सारा काम हो चुका है, किचन में भी मैंने सारा लगभग सामान सारा रख दिया है। बस किचन का ये देखो मक्खी कितनी आ गई, बहुत ज्यादा मक्खी आ रखी है। ये देखो प्याज का टाइम आ गया ना, इसमें देखो अंदर हो गया एकदम चकाचक, किचन में एकदम हो गया तैयार। तो अब हम अलविदा करते हुए अपने घर को बाय बाय करते हुए निकलते हैं गाइस। शाम के बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं और ये बैग रख लेते हैं ऊपर को कंधे पे। और भाई साहब मिलते हैं आपको, है ठीक है। और भाई साहब लगे पड़े हैं और हम चलते हैं गाइस। चलो गाइस चलते हैं। अब चढ़ाई पे चढ़ने में एक डंडा तो लेना ही पड़ेगा ऊपर चढ़ाई के लिए। डंडा एक डंडा ले ले यार कौन सा, और मैं अब जरा डंडा ऊपर चढ़ने के लिए कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए ये है गधेरे का रास्ता। ओह धीरे धीरे पैरों में दर्द तो हो रहा था। और ये है बांस के पेड़ इधर की तरफ, पीछे कैमरे से दिखाता हूँ एक बार कि गाइस बांस के पेड़। ये गधेरे का रास्ता देखिए कितना वो है पेरू पड़ा पड़ा है यहाँ पर। और टिक्के थे गाइस हम अपने धर्मशाला में आ चुके और बांस के छाप पेड़ों के नीचे ये बैठे हैं गाइस। ये देखिए आराम से बैठे हुए बांस के पेड़ों के नीचे। और बारिश भी हुई थी आज, उधर की तरफ ओले पड़े थे, इधर बहुत तेज बारिश हो रही है। सड़क आसमान देखो बिजली कड़क रही है। जो पीछे के बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बार गाइस, उधर बारिश होने वाली है, उधर बारिश हो रही है। और ये देखिए बहुत अंधेरा अंधेरा हो चुका है, काले बादल मंडराने लगे। ये हमारे गाँव के ऊपर जाने वाला रास्ता, उधर से पूरा नज़ारा यहाँ का। अब लगता हम भी भीगने वाले हैं अगर बारिश आ गई तो। आगे तो बहुत ओले पड़े हैं। अरे बारिश आई तो हम बैठे हैं यहाँ पर धर्मशाला में, ये है हमारे इधर का बैठक। तो अभी बारिश आ भी जाती है हम इसके अंदर बैठ जाते, अभी तो आ नहीं रही है। तो चल लेते हैं धीरे धीरे ऊपर करके। ऐसे समय हम टकर बाट में पहुँच गए अपने गाँव के। रोड और ऊपर है भी अभी, पसीने देखो गाइस कितना हो गया और बिल्कुल अंधेरा। उधर कितने बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है। तो देखिए इस मौसम का मिजाज कितना भयंकर। उधर की तरफ देखिए काला काला पूरा, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हमारा रोड थोड़ा सा रह गया ऊपर की तरफ, ये देखिए बस थोड़ी सी दूर और 2-10 कदम और चलना हमें। और इधर मौसम मजा मस्त हो रखा, फर्स्ट क्लास सुहाना मौसम हो रखा इधर की तरफ है। हम रोड पर पहुँच चुके हैं और 4:50 हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं। तो एक घंटे में हम लगभग यहाँ पहुँच गए। नितिन रावत जी जा रहे हैं बाइक लेने के लिए, बाइक लेके आ जाएगा नितिन रावत जी। तो मैं तब तक यह बाइक देखो हमारे नीचे गिर गया यहाँ पर, देखो इसने निकाला होगा और सारा मिट्टी मिट्टी लग गई बाइक पे, पूरी मिट्टी लगा दी इसने बाइक पे। और हमारे भाभी जी भी पानी लेके आते हुए, भाभी जी नमस्कार। ये देखो ऐसे लाना पड़ता है पानी को, जैसे मैंने ला रखा था बाल्टी ऊपर रख के, ऐसे देखिए मजे से हमारे भाभी जी मुस्कुराती हुई। रावत जी आगे बाइक लेके ये खड़े कर दिए उसने, ये रख दिया। आप चलते हैं हम चोरी सैन की तरफ, नितिन रावत जी चलाएंगे बाइक और मैं बैठता पीछे। और ठंडी ठंडी हवा के कारण मैं नितिन के साथ पीछे बैठता हूँ। एक मिनट मुझे बैठने दे, एक मिनट। नितिन रावत जी बाइक चलाते हुए खाल की तरफ और सिलोगी की तरफ बहुत तेज बारिश हो रही है। देखो उधर बहुत भयंकर, देखिए ये है मस्टखाल। शाम का समय है, 5 बज चुके हैं। अब हम जा रहे समय चोरी सेन की तरफ। नितिन रावत जी बाइक चला रहे हैं, मैं आराम से पीछे बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी नितिन रावत जी को मैंने बाइक पकड़ा रखी, चला के ले जा रहा है। और चलते गाइस देख इधर से लड़के भी आते हुए मुझे घूमने के लिए। ये देखे हम चोली सैन पहुंच चुके हैं, नितिन रावत जी ने 5 मिनट में चोली सैन पहुँचा ही दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर से फल फ्रूट ले लेते हैं। और एक गाड़ी भी आती है यूके की, ये चोली सैन बाजार हम भी सब पहुंच चुके हैं। चोली सैन से निकल रखे हैं और देखे ये देख मौसम उधर पीछे मस्टखाल की तरफ और चोली सैन की तरफ। ये देख सकते हैं बच्चे लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, देखिए कितना मजा हो गया, घूम रहे रेस लगा रहे। देखिए सब मजा हो गया,
भाई साहब की तरफ बिजली देखे कितने भयंकर कड़क रही है उधर की तरफ। हम पहुंच चुके हैं अपने बमोली गांव के चोरन धार में पहुंचने वाले हैं। ये बमोली गांव की रोड देखिए कितना शानदार बनी इधर, और अभी इस समय खेतों में कुछ भी हो रहा है बमोली गांव की तरफ। उधर की तरफ तो बहुत खतरनाक मौसम हो रखा था, पर ठंड लग रही है बाइक पे बहुत ज़्यादा, हाथों में ठंड हो गई। अरे सर आप कन्या खड़ी खाल लग रही हो, ये देवी खेत कन्या खड़ी खाल को रोड जोड़ती है और यहाँ से नीचे बमोली गांव के लिए रोड कट गई है, यहाँ से नीचे बमोली गांव के लिए रोड और हम गए सीधा कन्या खड़ी खाल की तरफ। गुरुजी भी मिल गए हमें, देखो कितने सालों से गुरुजी के दर्शन हो गए हमारे। देखो हमारे पढ़ाते थे हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे जब हम तीसरी क्लास दूसरी क्लास पहली क्लास में रहते थे। और भाई साहब आपका नाम? सूर सिंह रावत। अच्छा, ये भी बमोली गांव के है। और गुरुजी और स्वास्थ्य पानी ठीक है ना? ठीक है हमारे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जो मिल गए आपको। देखो गुरुजी ने हमें पहचान लिया, हमने पहचाना गुरुजी ने नहीं पहचाना हमें। तो गाइस कन्या खड़ी खाल आ चुका है और इस समय हम कन्या खड़ी खाल पहुंच चुके हैं। आदित्य राव की दीदी मैं ये दे देगी मौसम देवी खेत की तरफ उधर जुट गया हूँ कन्या खड़ी खाल, लेकिन लोग यहाँ पर बैठे हैं मान नजर जी बात हुई। ओहो आप आदित्य राव जी चला रहे, मैंने कहा मैं चल तो चला, तो अब बढ़िया तरह से आप जाएंगे यहाँ से कनक खाल पे। तो हम पहुँच गए यहाँ से नीचे की थी खेड़े गांव की रोड आगे से। तब यहाँ से गाइस देखिए नीचे की तरफ रोड, नीचे 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 लेफ्ट राइट भूल गया रोड, ये देखिए गाइस ये भूल गया मुझे लग रहा रोड। और हमारा ठीकदार साहब जा रहे हैं आराम से, जय हो चलो आ जाओ बेटा आओ आओ मेरा दीदार साहब हमारे आते हुए पीछे से। इस समय हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर अपने ससुराल के एकदम बस स्टॉप पे। तो यहाँ से आप नीचे के थोड़ा सा नितिन राव जी बाइक चला के लाया, मैं तो आराम से बैठा रहा, मैंने नितिन राव जी को भी एक्सपीरियंस दे रहा हूँ पहाड़ों में गाड़ी चलाने का कि कैसे चलाया जाता है, पर ठंड लगने लगी कह रहा है, मेरे उंगली पर ठंड लगने लगी कह रहा, तो एकदम से। तो ये देखिए बस स्टॉप पे एकदम शाम का मौसम होगा, सूर्यदेव भी अस्त होते हुए सन्नाटा सूर्य देवता एकदम छिपते हुए और मज़ा आ गया ठंड। अब थोड़ा सा मौसम भी इधर के ठीक है, तो गाइस चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ी देर यहाँ पर वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा नेट चलता है, गांव में तो बिल्कुल चलता भी नहीं है, जिधर तो हमारी वीडियो अपलोड हो भी जाएगी। तो चलते हैं गाइस नीचे की तरफ, और ये कार भी आ रही पीछे से, ये कार भी आ रही पीछे से, लगता है इसमें कुछ जान पहचान के हैं, देखते हैं ये आगे कार। ये सब खेड़ा गाँव में हम पहुँच चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, और उधर ईसा को देखिए आराम से देखो इधर उधर मटकती हुई, और ये डवली गांव इधर की तरफ, ये देखिए मस्त व्यूज आता हुआ यहाँ से। अब बस एक कुत्ता भूखने लगे, ये देखिए लोग बैठे हुए आराम से। गाइस देखिए बहुत अंधेरा हो चुका बाहर की तरफ और हम ऐसे खेड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं। तो गाइस मैं जरा से वीडियो अपलोडिंग करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि 3-4 दिनों से ऊपर हो गए वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो हम जा रहे हो छत पे, यहाँ पर आता बिल्कुल बहुत तेज टावर आ रहे थे बड़ो फोन के, तो इस समय मैं चलता हूँ छत के, और इधर डिनर की तैयारी चल रही है नीचे की तरफ, डिनर बन रहा है अभी, और हम चलते हैं छत की तरफ, तीनों के तीनों जा रहे हैं वीडियो अपलोड पर लगाते हैं, और ज़रा दीदी लोगों को भी मिल लेते हैं यहाँ पर अंदर जाके। देखो हमारे सास जी क्या क्याड़ा पालते हुए इधर आ रहे हैं घूमते घूमते मजे से आग जलाने के लिए, और ये देखे ये शर्मा रही है, और दीदी क्यों चिल रहे, हमारी दीदी बहुत चिल्ला रही है इतना। दीदी नमस्ते, हमारे दीदी का दिन और ठीक ठाक स्वास्थ्य पानी ठीक है, ये हमारे दीदी जी, दीदी जी सुना नेताजी क्या सुना। तो गाइस खाना पीना हमारा डिनर रात का हो चुका है, और ये लड़की इतनी शर्मा रही, देखो इसको मैं दिखा रहा नहीं, हमारे साथ है जी ईसा, इतना शर्मा रहे, देखो बिस्तर पर के तो बिस्तर लेके पूरा ढक रहे, और ये दिस रावा जी देखिए आराम से। तो वीडियो को करते हैं गाइस एंड, एंड करते काफ़ी ठंड में अपलोडिंग करने में कसम से 3 घंटा लग गए मुझे, और अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो पता नहीं कल के लिए भी लगती ही नहीं लगती, कोई पता नहीं चल रहा। तो गाइस वीडियो को करते एंड, और नेट की तो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारी है, कुछ भी कुछ काम भी नहीं हो पा रहा नेट से। तो गाइस वीडियो को करते एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए